country has lost two brave and young captains of the army's elite para-special forces and a Lance Nayak in a fierce operation to flush out terrorists hiding in a government complex in Jammu and Kashmir's Pampore. Two CRPF men and a civilian were killed since the terrorists stormed the Entrepreneurship Development Institute. The encounter is still underway at Kashmir's Pampore. उसने स्टॉर्म करने का प्रयास किया तो उस समय एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कैप्टन यंग कैप्टन पवन कुमार की भी मृत्यु हो गई है परंतु मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि वहां पर ऑपरेशन जारी है हमने पूरे बिल्डिंग को इनसर्कल कर रखा है और बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं आ सकता है यह बात वस्तु सत्य है कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहां पर मिलिटेंट्स को एक सरप्राइज का एलिमेंट है मिलिटेंट्स को एक एडवांटेज है कि वो हाइट पर हैं परंतु मैं आपको इस बात का को आश्वस्त करना चाहूंगा इस ऑपरेशन में हम सारे मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में हम सफल होंगे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई मीन दीस अटैक्स आर स्टिल हैपनिंग इट विल टेक टाइम मैं समझता हूं कि ये वहां भी फेल्यूर हो गया है इसका वो एक बात है कि कोई कहते हैं कि इंटेलिजेंस मिला था और जब यदि इंटेलिजेंस मिला था तो सब तरह की वहां तैयारी करना बहुत जरूरी था 50,000 की फौज वहां पठानकोट में बैठी है वो यदि सब लोग हमारी डिप्लॉय करके वहां प्रोटेक्ट करते तो ये काम नहीं होता इस तरह का मैं समझता हूं कि इनको देश में की जो शांतता और सुव्यवस्था है वो इनको काबिज करने को नहीं आ रहा है पठानकोट नाउ पम्फोर इन श्रीनगर इट इज शॉकिंग इंडीड of what kind of relationship we have with this neighbor. I think despite the Prime Minister's effort, which is literally one can say with this attack, has failed completely. And I think tough measures should be in place to ensure that these things don't repeat itself, because how long are we going to sacrifice our brave souls for this kind of attacks? Narendra Modi ke देश में अपना देश सुरक्षित नहीं है उनके देख रेख में क्योंकि पूरा कंक्रीट बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और फोर्सेस ने बिल्डिंग के अंदर गई थी तो उस गनफाइट में कैजुअल्टीज हुई हैं फोर्सेस की और अभी भी हम सर्च कर रहे हैं एक मिलिटेंट की कंफर्म हुआ है एक मिलिटेंट मारा गया है कंफर्म हो गया है टोटल 5 कैजुअल्टीज हुई है जिसमें 3 आर्मी और 2 सीआरपीएफ